فالآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى نعم هي all in one عادس كردي 3 هي اور یہ سیریز 5 دیز پر مشتمل ہے انج... الحمد لله, الحمد لله. अब सेट हो चुका है चलें हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं रबी ली सदरी ली अमरी वाहलिसफका इल्मा अल्लाहुम्मा इलमा फिद्दीन आमीन अच्छा जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे तीन अहादीस शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह तो आपको टॉपिक का बहुत बहुत समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको पता है कि ऑल इन वन सीरीज जो हमने स्टार्ट की है ये बेसिकली किन लोगों के लिए है जो अभी अभी दीन की तरफ आए हैं दीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कुछ गलतियां हो जाती हैं और समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट लिया जाए कहा से अपने आप को बेहतर बनाया जाए तो ये आप सबके लिए सबसे पहले हदीस आपसे शेयर करूंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया क्यामत के दिन बंदा मोमिन के मेज़ान में अच्छे अखलाक से ज्यादा वज़नी कोई चीज ना होगी दूसरी हदीस इस तरह से है मोमिनों में कामिल तरीन ईमान इस शख्स का है जिसके अखलाक अच्छे हों और तीसरी हदीस जो मैं आपसे शेयर करने वाली वो क्या है हजरत उसामा बिन शरीक रजी तोह फरमाते हैं एक मरतबा हम नबी सल्ह वसलम की खिदमत में इस तरह खामोश बैठे थे कि गोया हमारे सरों पर, पर परिंदे बैठे हों के कुछ लोग आये और अर्ज किया अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब बंदा कौन है आप सल्ह वसलम ने फरमाया जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंबर देखें क्यामत वाले दिन जब वजन किया जाएगा तो सबसे भारी चीज क्या होगी अच्छा इखलाक, ठीक और दूसरी बात क्या हमने यहां से सीखी कि कामिल तरीन ईमान यानी हम कहें कि हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल हो गया है उसका होगा जिसका इखलाक अच्छा होगा ये नहीं कहा कि जो पान नमाजों के साथ तहज पढ़ रहा है ठीक है यहाँ वो इतना इतना कुरान पढ़ रहा है यहाँ पे किस चीज पर जोर दिया गया जिसका अखलाक अच्छा होगा तो नॉर्मली लोग किसकी तरफ फोकस कर रहे होते हैं अपनी इबादत की तरफ ठीक है देखिए नमाज कुरान ये जो कुछ भी आप करते हैं ये आपकी इंडिविजुअल इबादत यानी अकेले आपका और अल्लाह व तआला का मामला होता है राइट लेकिन बाकी पूरा दिन आपका किस तरह का गुजरता है ये डिपेंड करता है आपके अखलाक में सपोज देखिए आप नमाज को पंद्रह मिनट दे रही हैं और कुरान को आप आधा घंटा दे रही हैं ठीक है फोर्टी फाइव हो गए इसी तरह हर हाँ नमाज का टाइम आप ऐड कर दीजिए तो आप समझें कि पूरे दिन में मैक्सिमम आप टू आवर्स दे रही हैं अपनी इबादत को ठीक बाकी जितने घंटे हैं वो आपने कैसे गुजारे इससे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे मुसलमान हैं इन लोगों के दरमियान आपका रवैया कैसा था राइट इसके बाद तीसरे दीस में हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह को जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो कौन है हम सब जब दीन में आते हैं तो हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो तो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों ठीक हो गया अब देखें इखलाक किसको कहते हैं अब सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं जो हम एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं उसका नाम अखलाक नहीं हमारी बोल चाल कैसी है हमारे लेन देन के मामलात कैसे हैं हम कैसे लोगों से रवैया करते हैं ये अखलाक है राइट हमारे अंदर फितरतन एक चीज है कि हमें सच्चाई अच्छी लगती है जो कुर्बानी देता है हमें वो अच्छा लगता है ठीक है जो दयानतदार है ईमानदार है हमें वो अच्छा लगता है और हमें कौन बुरा लगता है जो झूठ बोलता है ठीक है जो खयानत करता है जो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता है ये ठीक हो गया ये हमारे अंदर फितरी तौर पे है लेकिन अक्सर औरतें इन चीजों को भूल जाती हैं ठीक है हम जो है हम जो खातन है हमारे पे हमारे जो आबो हवा है या मुआषा है इसका बड़ा गहरा असर होता है यानी अगर इर्द गिर्द कहीं पे भी कोई बिगाड़ हो तो हम अपने आप को बिगाड़ लेते हैं यानी कि हमारे मिजाज खराब हो जाते हैं अच्छी बली होती है दीन पड़ने वाली जरा से सख्त हालात आते हैं तो क्या होता है ताना देना शुरू कर देती हैं बदजुबानी शुरू कर देती हैं गुस्सा आ जाता है यानी औरत के ऊपर अपना जो माहौल है उसका बहुत ज्यादा असर हो जाता है और उसकी वजह से उसका मिजाज खराब हो जाता है वो बदजुबान हो जाती है और उसका अखलाक जो तो है वो खराब हो जाता है ठीक है अब अगर आप चाहते हैं कि आपका नफ्स पाक हो राइट right, आपकी सोल पाक हो और आप जिसे कहते हैं तजकिया ए नफ्स अपने नफ्स को अगर आपने पाक करना है तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज है आपका इखलाक कि आपको अपने इखलाक को दुरुस्त करना है जिसमें बहुत सी चीजें आती हैं मैं उनमें से कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूंगी इनशाला जो अहदीस और कुरान की रोशनी में हम डिस्कस करेंगे इनशाला वॉइस क्लियर है अच्छा जी अब जो हम है हमें अपना अखलाक किसके लिए अच्छा करना है हमें अपना अखलाक अल्लाह ताला के लिए अच्छा करना है अपने किरदार को किसके लिए अच्छा करना है अपने करैक्टर को क्यों संवारना है अपने दीन के लिए ताकि हम दीन पर अच्छी तरह से अमल कर सकें और लोगों को भी ये शो कर सकें कि हमारा दीन कितना खूबसूरत है अखलाक बुरा होने की वजह से कई लोग दीन से दूर हो जाते हैं ये मैंने चीज देखी है जैसे ही दीन में आते हैं तो सख्ती आ जाती है मिजाज के अंदर लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करते आपसे बातें डिस्कस करना पसंद नहीं करते अपने मिसाइल बताना पसंद नहीं करते ठीक है तो जैसे रसूल सल्हु वसलम की हदीस है हम उसको देखते हैं कि अः औरतों करो क्योंकि मैंने मेराज की रात देखा है कि तुम औरतें ही जहन्नुम में बकसरत हो औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल वसल्लम इसकी क्या वजह है आप वसल्लम ने फरमाया इसकी वजह यह है कि तुम लान तान बहुत करती हो और खामदों की नाशुक्री करती हो तो देखें कितनी डरा देने वाली हदीस है अपने बुरे अखलाक की वजह से यानी जो लान तान करती हैं इसकी वजह से औरतें जो है वो जहन्नुम में होंगी अब आप भी देखें कि आपने बहुत कोशिश की पूरा दिन कि अपने अखलाक को बेहतर कर सकें फिर कुछ ऐसा मामला आया आपके अपने घर वालों के साथ की आपने अपनी जुबान इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल की कि पूरे दिन की नेकियां एक तरफ होगी और वो आपके गुनाह एक तरफ हो गए तो आपको क्या आदत डालनी है एक तो अपने इखलाक को बेहतर करना है अपने ऊपर काबू पाना है और दूसरा ये कि आपने सदका करते रहना है ऑफ एंड ऑन जब आपके पास पैसे हैं थोड़े हैं ज्यादा है उसमें सदका करते रहे क्योंकि हमारी जो जुबान है वो हमें जहन्नुम में लेके जा सकती है अल्लाह तआला हमें अच्छे अखलाक वाला बनाए आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु सल अल्लाह क्या दुआ किया करते थे अहसन खल्की खलकी फसिन खुलुकी ए अल्लाह तूने मेरी बनावट अच्छी की है तो मेरे किरदार में भी दुरुस्तगी फरमाएम तला ने हमें इतना खूबसूरत पैदा किया है तो फिर हमें हमारे अख्लाक भी अच्छे हों हमारे किरदार भी अच्छे हों आप देखें कि कोई अगर आपके सामने औरत तो बहुत खूबसूरत है उसके कपड़े भी बहुत प्यारे हैं लेकिन जब आप उसको देखते हैं उसका मिजाज इतना बदतमीजी वाला है या वो लोग इसे बहुत बुरे तरीके से पेश आती है तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप उसके पास बैठे उसकी सारी खूबसूरती जो है वो एक तरफ रह जाएगी तो हमें अपने अखलाक को अच्छा करना है अल्लाह के लिए इंशाल्लाह जैसे कुरान में आता है वह इन और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हम इखलाक के बुलंद यानी बड़े बुलंद मर्तबे पर हैं तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को हमारे लिए एक नमूना बनाया है कि उनका इखलाक कितना अच्छा था तो हमने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है अगर हम चाहते हैं कि हम खुद भी दीन को फॉलो करें और लोगों को भी दीन की दावत दें तो हमें क्या करना है अपने अख्लाक को बेहतर करना है हजरत अनस अनसर तो जो है आपको बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम की खिदमत में रहे दस साल तक वो क्या फरमाते हैं नबी सल्ला वम के बारे में मैंने रसोल्ला वसल्लम की दस साल खिदमत की आप वसल्लम ने कभी मुझे उफ तक नहीं फरमाया और अगर मैंने कोई काम किया तो आप वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ऐसा क्यों किया और अगर कोई काम नहीं कर सका तो इस पर आप अलैहि वसल्लम ने बास पुरुष नहीं की कि, कि फला काम क्यों नहीं किया और हम देखें कि हमारा रवैया हमारे खादों के साथ कैसा होता है हमारे घर वालों के साथ कैसा होता है तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखते हुए अपने इखलाक को अच्छा बनाना है इनशाला और जैसे हमने पढ़ा कि कामिल ईमान वाला हुआ वा जिसका अखलाक अच्छा है, तो हमने अपने अखलाक में से जो छोटी छोटी बुराइयां हैं इनको बाहर निकालना है ठीक है यही हमारे अखलाक को किरदार को बनाती भी है बिगाड़ती भी हैं इसमें सबसे अहम बात जो क्या है जो मरकज जो सेंटर है के हुसना का वो क्या है सच्चाई आप देखें कि छोटे छोटे मामलात होते हैं और झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई होती है आप देखें किसी औरत से पूछा जाए कि तुमने ये सूट कहाँ से लिया है कितने का लिया तो पहले तो आपको शॉप ठीक नहीं बताई अगर बताएगी तो कीमत या तो बढ़ा चढ़ा के बताएगी या कम करके बताएगी छोटे छोटे मामलाते कहीं जा रहे हैं फोन कॉल आई है कहा है आप आप कहते हैं मैं तो घर में बिजी हूं मैं तो किसी मीटिंग में हूँ जबकि आप शॉपिंग भी होती है ठीक है छोटे चुट छोटे मामला हैं जिनमें झूठ बोलते हैं और झूठ की एक ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर सच बोला ही नहीं जाता मैंने कई लोगों के साथ देखा कि ऐसी जगह पर झूठ बोल रहे हैं जहां सच सच बोलने में कोई मुश्किल थी ही नहीं लेकिन आदतन झूठ बोलना ठीक है अब इसके बारे में एक हदीस पढ़ते हैं नबी वसल्लम ने फरमाया सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है आदमी हमेशा सच बोलता है यहां तक कि अल्लाह तला के हाँ वो सच्चे लोगों में लिख दिया जाता है और झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है और आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है यहां तक कि अल्लाह तला के हाँ इसे झूठे लोगों में लिख दिया जाता है कितनी खतरनाक बात यह पहली बात तो ये कि जब आप सच बोलते हैं अच्छा अभी आज के दौर में कोई को इंसान सच भी बोलता है तो वो बड़ा अजीब समझा जाता है कि इतना भी कोई सच बोलने वाला है और उसकी बात पे भी उनको डाउट होता है राइट तो सच बोलना एक छोटा अमल नहीं है सच्चाई आपको फर्स्ट स्टेप यानी नेकी की तरफ लेके जाती है आप नेकियां करते हैं और फिर नेकियां आपको अल्टीमेटली एट द एंड कहा ले जाती हैं जन्नत की तरफ जो हमारा गोल है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ठीक है और जो झूठ बोलता है तो आहिस्ता आहिस्ता झूठ बोलते बोलते क्या होता है वो गुनाह की तरफ जाता है क्योंकि जब भी वो गुनाह का काम करेगा कोई उससे पूछेगा तो वो झूठ बोल देगा उसके पास एक हथियार है कोई पूछेगा आपने गाने देखे आपने फिल्में देखी आपने मेरी चीज तो नहीं उठाई ये बात तुमने कही थी तो आप सिंपल झूठ बोल देंगे और आप कहेंगे आपका मसला आसान हो गया तो आपने अपने गुनाहों को किससे छुपा लिया झूठ से और गुनाह फिर कहा ले जाएंगे जहन्नुम की तरफ जिससे हमने बचना है तो सच इतनी बड़ी दौलत है और सच आपको कहां तक ले जाती है आपका आखिरी मुकाम जो क्या है जन्नत तो आपने बहुत कोशिश करनी है शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन आपने सच बोलना है कुछ भी हो घर में आपसे गवाही ली जाए आपसे कुछ भी पूछा जाए आपने हमेशा सच बोलना है झूठ नहीं बोलना अगर कोई ऐसा मौका आ जाए जहां आप सच भी नहीं बोल सकती और आप झूठ भी नहीं बोल सकती सपोष तो खामोश रहें, कम अज कम झूठ ना बोले ठीक है एक हदीस पढ़ते हैं जो तो बड़ी डरा देने वाली हदीस है नबी वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों के बारे में ना बतलाऊं साहबा ने अर्ज किया क्यों नहीं अहला के रसूल वसल्लम तो आप वसल्लम ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना देन की नाफरमानी करना अब नबी सलम टेक लगा कर बैठे हुए थे तो वो उठकर बैठ गए सुन लो और तीसरा गुना झूठ है फिर आप बार बार इसको दोहराने लगे यहां तक कि हम तमन्ना करने लगे काश आप खामोश हो जाए तो तीन जो बड़े गुनाह नबी सल वसल्म ने फरमाए यानी शेरक और वालदेन की नाफरमानी उसके बाद तीसरा गुना कौन सा बताया झूठ और यानी आप बैठे हुए थे और आपने अपनी टेक छोड़ दी यानी उठकर बैठ गए फोकस हुआ ना कि ये आप जो बात है ये बहुत बड़ी है, तो क्या गुना है झूठ और उसको रिपीट किया बार बार कहा और साहबा कहते हैं कि हम तमन्ना करने लगे कि काश आप खामोश हो जाए हम इसको कितना छोटा अमल समझते हैं ठीक है लेकिन ये इंसान के किरदार को भी खराब करता आखरत को भी खराब करता है कोई आप एतबार नहीं करता कोई भी एतबार नहीं करता तो जो झू जो दीन पे आते हैं उनको तो स्पेशली झूठ को छोड़ना है और सच को अपनाना है अल्लाह सन्ना तला नेक लोगों की जो सिफात बयान करते हैं क्वालिटी बयान करते हैं सुरफुरकान में वो इस तरह से है और रहमान के बंदे अल्लाह अकबर कैसे तारीफ की जाती है रहमान अल्लाह के बंदे और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते हैं और किसी लघु चीज पर इनका गुजर हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं तो अगर आप अल्लाह के बंदे हैं तो आपको याद रखना है कि आप झूठ नहीं बोल सकती तो झूठ पर गवाह भी नहीं बन सकती यानी आप देखें कि हमारे घर के जो तो बड़े होते हैं सम टाइम वो छोटों को साथ में ला लेते हैं कि तुमने गवाही देनी है कोई भी ऐसे मामलाते हैं घर के या अदालत के मामलाते और आपको कहा जाता है कि आपने बस झूठी गवाही देनी है आपने तो कोई बुराई नहीं की बस आपने गवाही झूठी देनी है तो अल्लाह के बंदे ऐसे कामों में नहीं पड़ते और कहीं पर भी फजूल बात हो रही हो वहां से उसका गुजर हो तो वो क्या कहते हैं शरीफ लोगों की तरह गुजर जाते हैं वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते ठीक है तो जो अच्छी मुसलमान औरत है अगर आपको वो बनना है तो आपको झूठ नहीं बोलना सच बोलना और दूसरों को भी खैर पहुंचानी है उनसे भी अच्छी बातें करनी है और ये जो बातें आप सुन रही हैं, आपने आगे पहचानी क्योंकि अच्छी मुसलमान औरत जो है वो खैर हवाई का जज्बा रखती है और दीन जो है वो है ही नसीहत का नाम भलाई का नाम तो दूसरों के लिए अच्छा जज्बा रखना है जो सीखे उसको आगे भी पहुंचाए ठीक है।, है उसके बाद आप ये भी याद रखें कि जो औरत किसी को खैर की तरफ लेके आती है अगला काम जो आपने करना है दीन में आने के बाद आपने सिर्फ दीन को लेके अपने तक नहीं बैठ जाना आपने लोगों को आगे पहुंचाना है राइट ये वो आपको स्कूल नहीं है जहां पे आपकी मदर्स कहती हैं कि बेटा अपना काम किसी को नहीं दिखाना नहीं तो आपके नंबर कम आ जाएंगे राइट right? ये तो वो चीज है जहां आपका अजर मल्टीप्लाई होने वाला है रसूल वसल्लम ने फरमाया जिसने खैर की तरफ रहनुमाई की इसे इस पर अमल करने वाले के मिसल अजर मिलेगा यानी आप किसी खेर को खैर की दावत देती हैं तो जब वो अमल करेगा तो आपको भी सवाब मिलेगा समटाइम आप देखें कोई एक ऐसा काम होता है जो आप खुद नहीं कर पाते कि आप वो ताकत नहीं रखती तो आप किसी को कह देती हैं कि आप ये कर हैं, जैसे मस्जिद बनवाना है आपके पास इतनी सतार नहीं है लेकिन आप किसी को मोटिवेट करती हैं कि अल्लाह का घर है आप अल्लाह का घर तामीर करें आप इस पर डोनेट करें तो आप जब वो अमल करेंगे तो आपको भी अजन मिलेगा ठीक है आप कहीं बाहर हैं आपके साथ आप घर वाले जा रहे हैं और आपसे कोई फकीर तो रिस्ते में मिलता है आपसे पैसे मांगता आपके पास नहीं होते तो आप अपने साथ जो भी हैं साथ ही उनको कहते हैं कि आप इनको सदका कर दें तो जब वो सदका करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा इसी तरह से दीन में आने के बाद जब आप पर्दा करती हैं आप नमाज पढ़ती हैं आप कुरान पढ़ती हैं आप जो भी नक अमल करती हैं और आप अपने साथ दूसरी खुवान को भी इसकी दावत देती हैं तो जब तक वो अमल करते रहेंगे आपको भी अचर मिलेगा मेरा मुझे जो फेवरेट चीज है जो मैं आपसे शेयर कर रही जिसके पीछे मैं दौड़ती हूं मैं भागती हूँ मुझे सबसे ज्यादा पसंद यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए यानी नेकियों के इन्वेस्टमेंट कि मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी है आपको पता है कि एवरेज जिंदगी आपको पता कितनी छोटी है तो मैं ऐसे काम कर जाऊं कि मेरे जाने के बाद मुझे वो अजय मिलता रहे अपने आप को इस कामों में मसरूफ रखें क्योंकि अभी जो आप अमल कर रहे हैं ये अभी के लिए है ना लेकिन दिल करता है कि जब हम ना भी अमल कर रहे हों हम बैठे भी हों तो भी हमें सवाब मिलता रहे जैसे कोई इंसान किसी बिजनेस से पैसे इन्वेस्ट करता है अब वो अपने घर में बैठा हुआ है उसको प्रॉफिट मिलता रहता है मिलता रहता है मिलता रहता है एक प्रॉपर्टी उसने खरीदी और उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और वो रिलैक्स है कि उसने एक दफा खरीद लिया है इसी तरह सदका जा रहा के जो काम है जो आप अपनी जिंदगी में कर जाते हैं तो आपको आगे भी उसका ज़रूर स्वभाव मिलता रहता है जैसे आप दरख्त उगा देते हैं आप किसी को कुरान गिफ्ट कर देते हैं आप किसी हॉस्पिटल में किसी को व्हील चेयर ले देते हैं आप कहीं पर कुआं खुदवा देते हैं कोई भी आप निकी का काम करते हैं आपके जाने के बाद भी आपको जड़ मिलता रहता है इसी तरह से आप जब दूसरों को आ, मोटिवेट करते हैं कि देखें आ, आपके अंदर ये टैलेंट है आप इसको यूज करें। आ, आप इसको यूज़ करें अच्छा कुरान पढ़ा सकती हैं आप अच्छा दिन का काम कर सकती हैं आप अच्छी टीचिंग कर सकती हैं तो जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं वो जब तक वो अमल करती रहेगी आपको स्वाब मिलेगा अब ये जैसी ब्रांच ऐसी शाखें जो रुकती नहीं अब टीचर ने जो बच्चे को पढ़ा दिया वो बच्चे के अमल में आ गया अब जो बच्चा अमल करेगा उसका सवाब भी आपको मिलेगा फिर वो आगे से जिसको बताएगा वो भी सवाब आपको मिलेगा अलहदुल्ला तो एक औरत को क्या करना है आपको दीन में आने के बाद लोगों को भी दीन की तरफ दावत देनी है लोगों को नेकी की तरफ लेके आना है, ठीक है और हमेशा दूसरों के मददगार बन के रहना है अच्छा जी अगली हदीस जो हम पढ़ेंगे इख्लाक के हवाले से वो ये है नबी वसल्लम ने फरमाया चार बुरी सिफतें जिसके अंदर पाई जाए वो खालिस मुनाफिक है ध्यान से सुने ये चार बातें जिसके अंदर हुई वो प्योरली मुनाफिक है और हमने इन चीजों से बचना है वो क्या है चार बुरी सिफतें जिसके अंदर पाई जाए वो खालिस मुनाफिक है और जिसके अंदर इनमें से कोई एक सिफत पाई जाए इसमें निफाक की एक अलामत होगी जब तक वो इसे तर्क ना कर दे वो कौन सी सिफात है जब इसके पास इमानत रखी जाए तो खयानत करे जब गुफ्तगु करे तो झूठ बोले जब कोई वादा करे तो इसे पूरा ना करे और जब झगड़ा करे तो गाली गलोच करे अब ये चार चीजें आ गई हैं हमारे अखलाक के अंदर जिनको हमें निकालना है नंबर वन आपके पास अमानत रखी जाए तो खयानत ना करे आपके पास कोई चीज रखी गई है या आपके पास कोई राज रखा गया है ये अमानत है ठीक है इसमें आपने खयानत नहीं करनी आपसे कोई मशवरा मांगता है तो आपने उसको मशवरा भी अच्छा देना है राइट ये सब चीजें किस में आती हैं अमानतों में आती है हम कितना आम है ना एक ही बात सुनते हैं आगे से एक दूसरे को बता देते हैं और औरतों के बारे में कितना मशहूर है और हमने इस कॉन्सेप्ट को इनशाला मिलकर बदलना है कि एक और दूसरी को कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूं तो अपने किसी और को नहीं बतानी फिर वो आगे से यूं ही बात फैलाती है मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ तो अपने किसी और को नहीं बतानी ऐसा हमारे साथ एसोसिएट किया जाता है और हमने इस चीज़ को बदलना है कि एक मुसलमान औरत में ये चीज़ नहीं होती काफी जरूरत में हो सकती है लेकिन हम लोगों में ये चीज नहीं है हमारे पास जो बात रखवाई जाएगी इमानत के तौर पर हम उसमें खयानत नहीं करेंगे अगर एक भी चीज आप में इसमें पाई जाती है तो आपके अंदर नफाक की एक अलामत है यानी आप मुनाफिक हैं सामने से कुछ और है और पीछे से कुछ और है दूसरी बात जो हमने डिस्कस कर लिया है कि जब हम बात करें तो हमें झूठ नहीं बोलना राइट अगर झूठ बोलेंगे तो मतलब निफाक की दूसरी अलामत भी आ गई तीसरी बात जब वादा करें तो उसे पूरा करें तो आज के बाद आपने जो वादा करना है जो पीछे हो गया सो तो हो गया आप जो वादा करना है उसे तो पूरा करना है अब देखिये आप ऐसे वादे ना करें जो आप पूरा नहीं कर सकते इंसान खुशी में जब बहुत एक्साइटेड होता है तो ऐसे वादे कर जाता है ठीक है गुस्से की हालत में भी कर जाता है और खुशी की हालत में ये दो एक्सट्रीम इमोशंस हैं इनमें अपने आप को आपने कंट्रोल रखना है कोई ऐसा वादा नहीं करना जिसको आप पूरा ना कर सकें उसके बाद जब झगड़ा करे तो गाली गलोच करे तो आप देखें अच्छे बले इखलाक के ऊपर चल रही होती हैं खुवा लेकिन जैसे ही लड़ाई होती है तो जुबान फिसलते फिसलते गालियों पे आ जाती है तो देखें अगर कोई एक इंसान आपके साथ बुरे तरीके से पेश आ रहा है ठीक है उसका एक लेवल है जो आपको शो कर रहा है उसके अंदर क्या है ठीक है उसके बर्तन के अंदर उसके, अंदर उसके अंदर उसके मिजाज के अंदर जो चीजें हैं वो बाहर जुबान के जरिए आउटपुट आ रहा है वो बाहर निकल रहा है आपको पता चल गया अंदर से ये इंसान ऐसा है आपने उसके लेवल पे नहीं आना आपका उसका कोई मुकाबला नहीं है अब आप दीन वाली हैं तो आप इखलाक वाली हैं राइट अगर वो गाली देती है तो गाली का बदला गाली से नहीं देना रहमान के बंदे तो उस जगह को छोड़ के आगे चले जाते हैं असलामेकुम के और निकल जाए क्योंकि अगर आप इसमें पड़ गए आप बहसों में पड़ गए और बुरे अल्फाज आपने इस्तेमाल कर लिए तो यकीन करें आपको लगेगा कि कई दफा ऐसा होता आपको लगेगा कि मैं मैं तो दीन पढ़ी थी मेरे से ही क्या होगा इसका मतलब दीन वाली नहीं मैं मनाफिक हूं मैं मुनाफिक हूँ ये मुनाफिकों की निशानी है सो अपने आप को ठीक करने के लिए अगर आप चाहती हैं पुरसकून रहे और आराम से अपनी इबादात को पूरी तरीके से अंजाम दे सकें अदा कर सकें तो आपको क्या करना है ऐसी मजलूस से दूर रहें जहां लोग आपको लगता है कि आपके मिजाज के नहीं है और वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करें साइड पे हो जाए आपने उनके दर्जे पर उनके लेवल पे नहीं आना आप में और उनमें फर्क होना चाहिए और सबसे आसान हल क्या है वालेकुम सलाम कह के निकल जाए यही आपका हल है ठीक हो गया इसके बाद ये है कि औरतों में एक चीज बहुत ज्यादा है वो क्या आती है चापलूसी ठीक है खुश आमद करना बहुत ज्यादा झूठी तारीफे करना तो अब आप दीन में आ गई हैं आप किसी की सच्ची तारीफ कर सकती हैं लेकिन वो भी इस तरह से कि जैसे कि मैं समझती हूं कि आप में ये ये अच्छी बात है लेकिन हकीकत अल्लाह तआला जानता है क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट मुंह पे भी तारीफ करने से मना किया गया है यानी कहा गया कि जो डायरेक्ट तारीफ करे उसके मुंह में मट्टी झोंक दो तो। तो आप उस तरह से भी तारीफ नहीं कर सकते आप देखें सम टाइम किसी ने आपकी तारीफ की कि माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छी नमाज पढ़ती हैं और आप तो दीन पे आ गई हैं आप पर्दा भी कर रही हैं तो आप अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देती हैं इन प्राउड आ जाता है ये भी एक गलती होती है दीन में आने के बाद आप अपने आप को दूसरों से बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं ठीक है कि मैं अब उनसे बेहतर हूँ वो तो नमाजें नहीं पढ़ी मैं तो नमाज पढ़ी वो लड़की तो हिजाब नहीं ले रही मैं तो ले रही इस चीज को आपने खत्म करना है मैं मेरे साथ जो लड़कियां जैसे अगर कभी हमें कहीं बाहर जाना पड़े और वो देखें कि देखें वो किस तरह जा रही हैं उनका मुंह खुला हुआ है और मतलब कि हिजाब नहीं लिया हुआ पर्दा नहीं किया हुआ और देखें कैसे कपड़े पहने हुए तो हैं तो मैं उनको कहती हूँ उनकी हिदायत के लिए दुआ करें हमने उन लोगों में से नहीं होना जो पॉइंट आउट करते हैं हमने उन लोगों में से बनना जो लोगों की हिदायत के लिए दुआ करते हैं किसी को कम तर नहीं समझना कहीं ऐसी खवतिन हैं जो पर्दा नहीं करती लेकिन यकीन करें पांच वक्त की नमाज पढ़ती हैं कुरान पढ़ती हैं और कुछ ऐसी औरतें जो पर्दा करती हैं शरयी पर्दा करती हैं लेकिन नमाजों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है कुरान कभी खोला ही नहीं है तो जो फर्ज चीजें हैं यानी नमाज की फर्ज है और उसके बाद फिर आपका पर्दा है तो अगर आप नमाजें ही नहीं पढ़े और आप हाल पर्दा करके बैठिए और आप दूसरों पर पॉइंट आउट करिए उनके पर्दे के ऊपर तो ये ठीक बात नहीं है अपने आप को भी ठीक करें और दूसरों की असलाह के लिए दुआ करें और अपने आप को कभी भी दूसरों से ऊपर नहीं समझना अफजल अल्लाह के नजदीक वही ज्यादा अफजल है जो जितना ज्यादा मुत है अब कौन कितना मुत है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है एक तो हमारी अपेयरेंस है जो सामने नजर आ रही है और एक हमारी रियालिटी है जो अंदर है तो जाहिर और बातिन से वाकिफ सिर्फ अल्लाह की जात है वही जानता है कि कौन किसका कितना अच्छा अखलाक और किसका दर्जा अल्लाह के यहाँ ऊपर है तो अपने आप को कभी दूसरों से बर्तन नहीं समझना ठीक है उसके बाद ये कि कभी भी आपको किसी दूसरे को अजीय नहीं देनी अब आप दीन वाली है किसी का हक नहीं रखना कभी आपको फैसला करने के लिए बुलाया जाए तो आपने फैसला इंसाफ पर करना अपनी जाति पसंद नापसंद पर नहीं करना कई दफा ऐसा होगा कि आपके बहन भाई एक तरफ होंगे और दूसरी साइड पे जो है वो आपके मुखालफी होंगे लेकिन आपने इस जगह पे भी फैसला वो करना है जो हक और सच वाला है ये चीज आपके किरदार को बहुत नुमाया करेगी और इवन आपके दुश्मन भी इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि यस ये, ये दीन वाली है इसने अपने बहन भाइयों को आगे नहीं रखा बल्कि जो फैसला सच था हक था वही किया आपने इसके बाद आपने दूसरों के प्राइवेट मामला जो है उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी ये आपको परेशान कर देगी याद रखें आप अपने ट्रैक से हट जाएंगी और दूसरी बात यह कि जब आप फजूल किसी मामला में दखल देंगी तो आपका दिल करेगा कि मुझे कोई नई बात पता लगी यानी आप किसी के ऐप टटोलने में लग जाएंगी जबकि कुरान में आता है वला तजस और तजस ना करो हमने तो तजस करना ही नहीं हमारा जिस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है हमने उसके ऊपर नहीं बैठना ना हमने अपने काम धरने कोई हमें अगर, अगर अपने मामले में आ, कहता है कि आप अंदर आए और आके सॉल्व करें तो वो और बात है अदरवाइज हमने ऐसी बातों में ऐसे मामला में हमने नहीं पढ़ना ठीक है हमारा जिससे कोई ताल्लुक नहीं उससे साइड करें ठीक है एक हम हदीस पढ़ते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तीन चीजें पसंद करता है और तीन चीजें नापसंद करता है ठीक है वो ये पसंद करता है कि तुम इसकी इबादत करो इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और इसकी रस्सी को मजबूती से थाम लो यानी कुरान और तफर्का पैदा ना करो और वो नापसंद करता है फजूल बातें बेतुके सवाल की कसरत और माल का जया तो देखें अब अखलाक के क्या तीन चीजें सामने अल्लाह सन्न ताला को क्या पसंद है हम अल्लाह की इबादत करें शिरक ना करें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखें यानी कुरान ये चीजें तीनों हमारी इबादत में आ गई ठीक है और अखलाक की कौन सी चीजें जो अल्लाह तला को तीन नहीं पसंद वो क्या है कि आप तफर्कों में ना पड़े आपकी फिरबाजी ना हो राइट right? उसके बाद फजूल बातें जिनका कोई मतलब तुक ही नहीं बनता और आप उनको लेके बैठ गए अपना टाइम वेस्ट करना बैठगी और इससे पता क्या होता है फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं उसने ये कहा था उस घर ये बात हो रही थी उसकी बहू ने क्या किया उसकी बेटी ने क्या किया और अपने सारे जो आपके नेकियां होती हैं ना वो आप उनको दे देते दे हैं जिनके खिलाफ आप बातें कर रहे होते हैं ठीक है और उसके बाद बेतुके सवाल की कसरत लोगों से देखें कोई आपके घर आता है तो आप उनसे सवाल हो कि बुछाड़ कर तुम कहां थे क्या कर रही थी इतने दिन नहीं आई और तुम्हारे घर में क्या क्या मामलाते आपका काम ही नहीं बनता इस तरह के सवालात करना और फिर माल को फजूल जाया करना यानी कि जिया करना ये हमने नहीं करना इनशा अब इसके बाद अगली चीज क्या आती है वो ये है कि हमने किसी की ऐब जोई नहीं करनी ठीक है बल्कि पर्दापोशी करनी है यानी एक है ना कि आपको किसी के ऐप पता लगे हैं ठीक है और दूसरी एक अच्छी क्वालिटी क्या है कि पता चलने के बाद आप नहीं बताती बल्कि आप उसको ढांप देती हैं ठीक है आप बुरी बातों को आगे फैलाने वाली नहीं बनती अगर कोई बात आपको पता भी चल गई है तो आप उसकी तशहर नहीं करती आप लोगों में उसको नहीं बताती बल्कि अगर आपसे खुद भी कोई गुनाह हो जाता है देखे तो हम इंसान है तो आपने उसको लोगों को नहीं बताना तो इसके बारे में एक हदीस है मेरी उम्मत के तमाम लोगों को माफ कर दिया जाएगा सवाए उन लोगों के जो बुराई बुराइयों की तशहर करते हैं तशहर करने का मतलब यह कि आदमी रात को कोई गुनाह करे वो ढका छुपा रहे फिर वो सुबह उठकर लोगों में ऐलान करता फिरे और कहे ए फला मैंने गुजश्ता रात फला फला काम किया अल्लाह तला ने इसकी बुराई पर पर्दा डाल दिया था मगर वो सुबह उठकर खुद अल्लाह तला के पर्दे को चाक कर दे अगर आपसे कोई गलत काम हो गया है आपने किसी का राज फाश कर दिया है रात को आपने गाने सुन लिए कोई नई मूवी आपने देख ली है तो अब आपने उसकी तस्हर नहीं करनी सबको बताना शुरू कर दे अब एक बड़ी बीमारी आ गई है ना इसमें फेसबुक में लोगों को बताया जाता है टैग किया जाता है कि हम ये ये गाना सुन रहे हैं आप भी सुने हम ये ये फिल्म देख रहे हैं आप भी देखें हम इस सिनेमा में गए हैं आप भी जाएं ये तस्हर कर रहे हैं आप एक तो खुद भी गुनाह कर रहे हैं और लोगों में भी इसका चर्चा करे तो जो आपसे गुनाह हो गया है अल्लाह साली ने उसको छुपा लिया है तो अब आपने ये पर्दा जो है वो आ, खोलना नहीं है इसी तरह से एक और हदीस है कि जो बंदा दूसरे बंदे की दुनिया में पर्दापोशी करता है अल्लाह तला के आमद के दिन इसकी पर्दापोशी फरमाएगा अल्लाह अकबर यानी आपको किसी की कोई बात पता चली है आपने उसको कवर कर दिया आपने उसको छुपा दिया तो अल्लाह तला के आमद वाले दिन जो आपके गुनाह होंगे अल्लाह उनको छुपा देगा तो कितना जबरदस्त मौका ना एक होता है किसी के साथ कोई आपसे कोई बात शेयर करता है अपने बारे में ठीक है कि मेरे में ये ये बुराई है तो आपको उसकी बात पता चल गई आप उसको समझाते हैं कि इस तरह इस तरह ना करो और एक वो इंसान है कि अगर उसको कोई बात पता चली है और वो जाकर लोगों में जाके बता रहे कि देखो उसने मुझसे ये बात की थी उसमें ये बुराई है उसमें ये बुराई है तो इसका मतलब यह कि आप इसकी बुराइयों की नुमाइश कर रहे हैं तो इसी तरह से फिर आपके साथ भी होगा इसके बारे में एक हदीस है डराने वाली हदीस है वो भी कि अल्लाह के बंदों को तकलीफ ना पहुंचाओ इन्हें आर ना दिलाओ और इनके अयूब के पीछे ना पड़ो, यानी इनके ऐब के पीछे ना पड़ो जो अपने मुसलमान भाई के ऐब की टो में लगेगा अल्लाह ताला इसके ऐब को जाहिर कर देगा और इसे इसके घर में जलील खार करेगा यानी अगर आपने किसी के ऐब जाहिर किए तो अल्लाह सला आपके दा... ऐब जाहिर कर देगा और फिर देखें जहां आपकी इज्जत है आपको वहीं से जलील होना पड़ेगा ठीक है उसके बाद अगली चीज जो है वो क्या है दीन में आने के बाद क्या होता है रियाकारी दिखावा ठीक है अल्लाह सरमाते हैं वम खलकुल जिन्ना वाल लिया मैंने जिन्हों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करे मेरी इबादत करें लेकिन अगर कोई इंसान अपनी इबादत में ही खालिज ना हो अल्लाह के लिए ना करे बल्कि लोगों के लिए करे ताकि लोगों में उसका चर्चा हो लोग उसे कहें हा जिन है ये तो ये तो बड़ा पर्दा करने वाली है बड़ी मुतकी है ये बड़ा खैरात करने वाली है सारे अमल ज़ाया हो जाएंगे सारे अमल ज़ाया हो जाएंगे एक हदीफ पढ़ते इस हवाले से लम्बी हदीफ है लेकिन गौर से सुनना है आपने क्योंकि ये वो नेकी के काम हैं जो बहुत बड़े हैं लेकिन अगर इनमें भी रियाकारी आ गई दिखावा आ गया तो देखें उसका अंजाम क्या होगा ल्ला ल्ला वाले वसल्लम ने कयामत के दिन सबसे पहले एक ऐसे शख्स का फैसला किया जाएगा जो दुनिया में शहीद हुआ होगा इसे बुलाया जाएगा अल्लाह ताला इसके सामने अपनी एक एक नेमत गिनाएगा और वो इन सब का इकरार करेगा फिर अल्लाह तला फरमाएगा तूने इन नेमतों के शुक्र में क्या किया वो अर्ज करेगा मैंने तेरी राह में जिहाद किया यहाँ तक कि शहीद हो गया अल्लाह पर अल्लाह तला फरमाएगा तू झूठा है तूने तो सिर्फ इसलिए जिहाद किया था कि तुझे बहादुर कहा जाए वो तुझे कहा जा चुका यानी तुम्हारे जाने के बाद लोगों ने तुझे कहा कि ये बहादुर तारा शहीद हो गया फिर इसे जहन्नु में ले जाने का हुक्म दिया जाएगा इसे मुंह के भल घसीट कर ले जाया जाएगा और जहन्नु में डाल दिया जाएगा यानी जहाद अल्लाह के राम में शहीद होना लड़ना शहादत का रुतबा पाना इतनी बड़ी बात है लेकिन अगर उसमें नीयत आ गिर कारी की लोग मुझे शहीद करें तो जहन्नुम में काफिरों से पहले उस मुनाफिक को डाला जाएगा जिसने की, जिसने दिखावे के लिए काम किया फिर एक शख्स को बुलाया जाएगा जिसने दुनिया में खुद भी इल्म हासिल किया होगा दूसरों को भी इल्म सिखाया होगा और कुरान पढ़ाया होगा इसके सामने अल्लाह तला अपनी नियमते गिनाएगा वो इनका एतराफ करेगा यानी मानेगा कि हाँ हाँ मुझ पर ये सारी नीमते थी फिर अल्लाह तला फरमाएगा तूने नेमतों के शुक्र में क्या किया वो अर्ज करेगा मैंने इल्म हासिल किया और दूसरों को इल्म सिखाया और तेरे लिए कुरान पढ़ा अल्लाह तला फरमाएगा तूने झूठ कहा तूने इस इल्म को इसलिए हासिल किया था कि तुझे आलिम कहा जाए और कुरान की तलावत इसलिए करता था ताकि कारी कहलाया जाए तो वह दुनिया में तुझे कहा जा चुका फिर इसे जहन्नु में ले जाने का हुक्म दिया जाएगा इसे घसीट कर ले जाया जाएगा और जहन्नु में डाल दिया जाएगा यानी आप देखें कि कितनी डरा देने वाली बात है कितना शौक है ना सबको स्कॉलर कहलाने का आलिम कहलाने का स्पीकर कहलाने का हाफिज कहलाने का हाफिजा कहलाने का लेकिन कितने डरने वाली बात है कि अगर इसमें रियाकारी आ गई ये आपने अल्लाह के लिए नहीं किया अगर आपने ये पब्लिसिटी के लिए किया है मशहूरी के लिए किया है तो दुनिया में आप मशहूर हो गए अल्लाह के हाँ आपका क्या दर्जा आप देख लें कि आपको जहन्नुम के सबसे नीचे दर्जे पे आपको डाला जाएगा इसलिए अपने हर अमल की इसलाह कर लें अपने आप को अपनी नीयत अपनी इंटेंशन को रोज चेक करें कि मैं ये क्यों कर रही हूं जब आप अपने बच्चों को हिस्स करवाना शुरू करें तो उनके जहन में ये ना डालें कि आपको हाफिज़ कहा जाएगा तो वो मतलब खुद में ये मगरूर हो जाए बल्कि उनको बताया जाए कि जन्नत में आपको क्या आला दर्जा दिया जाएगा बेटा आपकी वजह से हमें क्या मिलेगा और कितनी नेकियां मिलेंगी लेकिन उनको इस चीज़ में इस दौड़ में ना लगाएं कि वो आलिम कहलाएं वो कारी कहलाएं सिर्फ इसलिए उनको ना लगाए प्लीज वरना उनका अमल सिर्फ यही रह जाएगा और उल्टा क्या होगा गुनाह होगा फिर एक ऐसा शख्स बुलाया जाएगा जिसे अल्लाह तला ने फराखी व कुशाद की अदा फरमाई थी यानी और हर किस्म के मालो दुलो से नवाजा था यानी उसके बाद दुनिया की हर नेमत थी खुला पैसा था अल्लाह तला इसे अपनी नियमते याद दिलाएगा और वो इनका इतराफ करेगा मानेगा ठीक है फिर अल्लाह तरमाएगा फरमाएगा तूने इन नेमतों के शुक्र में क्या किया देखिए अल्लाह तआला हमें जो जो नेमतें अता करते हैं हमें उसका शुक्राना भी तो अदा करना होता है यानी उन नेमतों को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करना होता है ये बार बार अल्फाज अल्फाजा ने इसलिए मैंने आपको क्लियर किया तूने नेमतों के शुक्र में क्या किया वो अर्ज करेगा मैंने तेरी खुशनुदी के हर रास्ते में सिर्फ तेरे ही लिए माल खर्च किया यानी कि अल्लाह राजी हो जाए अल्लाह तला फरमाएगा तू झूठ बोलता है क्योंकि अल्लाह तो जाहिर और बातिन से वाकिफ अल्लाह तला को पता है आपकी नीयत क्या है डोनेट करने की तू झूठ बोलता है तूने तो इसलिए माल खर्च किया ताकि तुझे सखी कहा जाए तो दुनिया में तुझे कहा जा चुका फिर इसे जहन्नुम की तरफ ले जाने का हुक्म दिया जाएगा और इसे मुंह के भल घसीट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा अगर आपने अल्लाह की खुशी नहीं बल्कि लोगों में मशहूर होने के लिए डोनेशन दी जैसे कि देखा जाता है कि जो मसाजिद होती हैं, उसको रन करने के लिए पैसे दिए जाते हैं उसके इंतजाम में लेकिन उनके अंदर एक गुरूर आ जाता है कि ये हमने किया और पूरे मोहल्ले में हमारी चौधराहट हो पता चले कि ये चौधरी साहब ने किया है ये हाजी साहब ने किया है तो आपका सारा अमल जाया है अपने आप को इससे छुपा लें अपने आप को इससे पीछे कर लें ये अमल आपने नहीं करना वरना सब कुछ जाया हो जाएगा आप देखें ये वो चीजें हैं ये वो बातें हमने पढ़ी हैं अगर ये आ गई तो हमारा सारा अमल जाया हो जाएगा सारा अमल जाया हो जाएगा अब लास्ट बात की तरफ आते हैं सिर्फ लास्ट बात मुझे पता है क्योंकि आज वर्किंग डे है तो आप सबको जाना है एक मुसलमान औरत अपने आप को गुस्से से पाक रखने की पूरी पूरी कोशिश करती है जो गुस्सा है ना ये जो जुबान है ना इस इससे जो गुनाह होते हैं ठीक है वो ज्यादातर गुस्से की हालत में हो जाते हैं ठीक है तो गुस्से को कंट्रोल रखना है एक हदीस है कि ताकतवर वो नहीं जो किसी को पिछाड़ दे यानी किसी को हरा दे जैसे कि एक रेसलर करता है कुती करने वाला तो असल ये नहीं है ताकत बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू पा ले और अल्लाह ने कुरान ने भी फरमाया कि गुस्सा ना किया करो तो अगर आप बहादुर बनना चाहते हैं कि मैं बहादुर हूं तो असल बहादुरी और असल ताकत यह है कि आपने अपने गुस्से को काबू पा लिया अब ये याद रखें गुस्से को अगर आप दुबाती हैं राइट हमेशा थोड़ा गलत मतलब लेते हैं हम गुस्से को दुबाने की कोशिश करते हैं वो कहीं और निकल जाता है ठीक है आप गुस्से को दुबाते हैं कई बच्चे गुस्से को दुबाने दुबाते हैं बोलते तो कुछ नहीं लेकिन चीजों की तोड़फोड़ कर देते हैं या आप देखें औरत जब अपने अंदर अंदर गुस्सा रखती है वो किसी के खिलाफ हो जाती है आपको क्या करना है उस गुस्से की हालत में चूंकि आपकी एनर्जी बड़ी हाई होती है उसको किसी काम में लग दें अपने आप को किसी काम में मसरूफ कर दें कोई आपसे कोई ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं जो आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है आप वहां से चले जाए अगर आप वहां से नहीं जा सकती तो मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दें ताकि उस एनर्जी को आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें वरना ये एनर्जी आपके खिलाफ एक्ट करना शुरू कर देगी और आप बीमार हो जाएंगी ठीक है तो आज हमने अपने आप को बेहतर मुसलमान बनाने के तरीके पड़े कि हमें अपने अखलाक अपने किरदार पर बहुत ध्यान देना है सिर्फ ये नहीं कि आप दीन में आ गई हैं तो लाइक आप अब परफेक्ट बन गई हैं और आपके अंदर सारी अच्छी बातें आ गई हैं नहीं हमने अपने अखलाक को अपने किरदार को बेहतर बनाना है आप देखें आपके अखलाक की वजह से लोग दीन में आएंगे और आपके बुरे अखलाक की वजह से लोग दीन से दूर चले जाएंगे तो इसका अपना ख्याल रखना है ठीक है इंशाल्लाह कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और नई चीज पढ़ेंगे जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सकें इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बहुत सी दुआएं आप सबके लिए व तआला और आपका यह हफ्ताब बहुत अच्छा गुजरे ये दुआओं को कबूल फरमाए हर खैर की दुआ को कबूल फरमाए आपकी तरफ से हर शर को अला दूर कर दे बल्कि उसको खैर में बदल दे आपकी जो भी मुश्किल हैं अला इनको आसानियों में बदल दे जो बीमार हैं अलामाना तह इनको शिफात आप फरमाए अल्लाह की रूहों को आपके दिल को पुरसकून कर दे आपके जहनों को पुरसकून कर दे आपके घरों में मोहब्बतें और बरकतें फरमा दे आमीन وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته